मेरी बेटी अंशिका यादव, उसने एनडीए की परीक्षा दी थी और उसमें वो एयर विंग में जो है सेलेक्ट हुई है फाइटर पायलट के लिए। स्विमिंग शुरू से ही करती थी, करीब मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी क्लास से इसने स्विमिंग शुरू कर दी थी एंड धीरे धीरे ये नेशनल लेवल पर भी पंजाब का नाम उसने रोशन किया है, पंजाब की ओर से खेली है। आज के बाद में आकाश में उड़ते हुए हर हवाई जहाज को देख के हम ये सोचेंगे कि शायद ये अंशिका उड़ा रही है। जेडे कहंदे तियां बोझ हुंदियां ने उन्हां दे लई लुधियाणा दी अंशिका प्रेरणा स्रोते, क्योंकि अपनी मेहनत दे नाल सुपनियां नूं पूरा करदी अंशिका फाइटर पायलट बनन जा रही है, जिस तों बाद परिवार च खुशी दा माहौल है। अंशिका मूल रूप च यूपी दे गोरखपुर दी रहण वाली है, पर पिछले 15 सालां तों ओह अपने परिवार दे नाल लुधियाणा रह रही है, क्योंकि उसके पिता लुधियाना ICAR च प्रोफेसर वजो सेवा निभा रहे ने। अंशिका के पिता का कहना है कि उन्होंने धी का सपना सी कि वह NDA करे, जिसलिए उसने मेहनत की अपना सपना पूरा किया है। उन्होंने दसिया कि अंशिका सिक्ख्या खेडा NCC च भी हमेशा अगे रही है। उन्होंने ही दसिया कि फ्लाइंग ब्रांच अंशिका भारत विचों पहले नंबर पर सी, जिस तो बाद उसकी चोण हुई है। मेरा नाम DN यादव है, मैं ICAR CFIT लुधियाना में प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ। मेरी बेटी अंशिका यादव, उसने NDA की परीक्षा दी थी और उसमें वो एयर विंग में जो है सेलेक्ट हुई है फाइटर पायलट के लिए। अभी वो ट्रेनिंग है, NDA पुणे में ट्रेनिंग कर रही है। सर, कितनी लड़कियां ने सर मतलब कौन सा रैंक आया उनका, कितनी लड़कियों में सिलेक्शन हुई है और कितनी लड़कियों की सिलेक्शन हुई है, सो प्राउड मोमेंट है। अभी NDA में 19 सीटें दी हैं गर्ल्स लड़कियों के लिए और उस 19 सीटों में ही 2 सीटें हैं केवल फ्लाइंग की। तो लगभग इस साल जो है लगभग 2.25 लाख लड़कियों ने पूरे देश में परीक्षा दी थी। लड़कों के साथ ही उनका जो परीक्षा है और जो इंटरव्यू है वो सब लड़कों के साथ ही होता है और सेम स्टैंडर्ड्स में होते हैं। तो उसमें इसकी 17वीं कॉमन मेरिट लिस्ट जो बनी लड़कों के साथ में, उसमें 17वीं रैंक आई थी और जो फ्लाइंग की ब्रांच थी उसमें गर्ल्स में 1 रैंक थी इसकी। सर, तो शुरू से शौक था उसी फील्ड में जाने का, आपकी तरफ से कैसे सहयोग था? हाँ, इसकी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी पहले से थी, खेलने कूदने में ज़्यादा रहती थी, साथ में पढ़ाई भी करती थी, पढ़ाई में भी अच्छे नंबर लेके आती थी और स्विमिंग शुरू से ही करती थी, करीब मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी क्लास से इसने स्विमिंग शुरू कर दी थी एंड धीरे धीरे ये नेशनल लेवल पर भी पंजाब का नाम उसने रोशन किया है, पंजाब की ओर से खेली है। और बाकी NCC वगैरह भी लिया था इसने, तो स्पोर्ट्स में और अदर एक्टिविटीज़ में इसका इंटरेस्ट पहले से ही था। फिर बाद में इसने 9th क्लास में डिटर्मिनेशन लिया कि मेरे को एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, वो भी फ्लाइंग ब्रांच में, और भगवान ने उसकी सुन ली, वाहेगुरु की कृपा। आपका भी सपना पूरा हुआ? हमारा भी सपना पूरा हुआ, बच्चे का जो सपना है वो हमारा सपना है। इस दे नाल ही अंशिका की माँ का कहना है कि उन्होंने खुशी है कि उन्होंने धी का सपना पूरा होया है। उन्होंने कहा कि पति का सहयोग रहा है जिस कारण वह अपनी धी को पूरा समा दे सके ने, अज उसका सपना पूरा होया है। उन्होंने कहा कि अपनी धी और पुत च उन्होंने कदे भी फर्क नहीं किया। मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा, बेटी को बेटे की तरह ही पाला और कभी ये नहीं सोचा कि वो मेरी बेटी है। तो अभी बात हुई है उनसे, कब बात हुई है, तो किस तरह की फीलिंग थी, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। कल उससे बात हुई थी, सिर्फ 4 मिनट बात हुई थी। उसने कहा मम्मा मैं बहुत यहाँ पे, मैंने पूछा कैसा लग रहा है, बहुत खुश हूँ, मेरी टेंशन ना लेना, मैं यहाँ बहुत हैप्पी महसूस करें, मेरे फ्रेंड्स। फिक्र भी होती है बेटी की? फिक्र तो देखो हर माँ बाप को रहती है, तो फिक्र तो होगी। तो सर ने सारा श्रेय आपको दिया, कहते हैं कि मैम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें। अगर हस्बैंड का सपोर्ट ना हो तो वाइफ कैसे आगे बढ़ सकती है? हस्बैंड ने पूरी छूट दे रखी थी तो फिर मैं उसके लिए कर सकी। कभी घर की टेंशन नहीं थी पीछे कि हाँ मुझे घर में भी देखना है या ये करना है, तो इसलिए मैंने उसको पूरा समय दिया। रिश्तेदारों के परिवारों के फ़ोन आ रहे हैं? हाँ जी, घर में सबके फोन आ रहे हैं, सब लोग बहुत खुश। उतने ही ICAR के डायरेक्टर का कहना है कि उन्होंने खुशी है कि अंशिका फाइटर पायलट बन जा रही है। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स च जाना नौजवान मुंडियां का सपना होता है जो आसान नहीं होता, पर अंशिका वालों अपना यह सपना पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही माण वाली गल है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम खुद ही पायलट बन गए हैं, एक बहुत बड़ा गर्व का विषय है। आज हमने जो नए साल का एक कार्यक्रम संस्था में रखा था उसमें भी इस बात का उल्लेख मैंने किया था कि एयरफोर्स में जाना एक युवा लड़के का सपना होता है और वो भी आसान नहीं होता है, और एक लड़की होते हुए इस तरह का सपना देखना और उसे पूरा करना, ये अंशिका का एक बहुत बड़ा योगदान है और हम जो उसे जानते हैं हमारे लिए बहुत बड़े गर्व का विषय है। आज के बाद में आकाश में उड़ते हुए हर हवाई जहाज को देख के हम ये सोचेंगे कि शायद ये अंशिका उड़ा रही है।
अक्सर लगता है कि बेटियां भी आजकल किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी विभाग हो। तो लगता है कि एक माता पिता के अच्छे फोकस की, अच्छे गुरु की जरूरत है, तो बेटियां भी कहीं तक कहीं भी पहुंच सकती हैं। बिल्कुल, इस बात में मैं उनके माता पिता दोनों को पूरा श्रेय दूंगा, विशेषकर उनकी माता को जिन्होंने उनके पूरे कैरियर में हर तरफ सहयोग किया, सहयोग ही नहीं गाइडेंस किया और पूरी मेहनत की और हिम्मत बढ़ाई। मैं जानता हूं कि इस पूरे सफ़र के दौरान बहुत से ऐसे इन पर एक प्रश्न उठे कि आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लड़कियां ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये हिम्मत उन्होंने बनाई रखी और ये हिम्मत अपनी बेटी को भी दी कि जो एक सफलता मिलती जा रही है। और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये पिछले कई सालों की मेहनत है इन दोनों की, माता पिता की, और इसका जो अंशिका का छोटा भाई है उसका भी एक अपना कहीं ना कहीं योगदान इस पूरी सफलता में है, और साथ में हम लोग जो है हम उसका श्रेय ले रहे हैं कि हमने इसका इतना अच्छा माहौल यहाँ पे हमने उसको दिया कि वो इस के लिए सफल हो पाए। जिक्र जो होगा कि कई लोग समझते हैं कि धियाँ वो सब नहीं कर सकदियाँ जो पुत कर सकते हैं, पर अंशिका ने अपनी मेहनत के नाल दिखाया कि इरादे अते मेहनत पक्की होवे तां कुड़ियां भी वो सब कुछ कर सकदियाँ ने। लुधियाणा तो लखविंदर सिंह, पंजाबी लोक चैनल।